वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। पार्ट चार, आज हम करेंगे पार्ट चार, अधिक बलवान कौन। तो आज हम क्या करेंगे, पार्ट चार, अधिक बलवान कौन के कठिन शब्द और प्रश्न उत्तर। तो चलिए पहले हम करेंगे कठिन शब्द। तो नंबर वन, सूरज। नंबर टू, अधिक। नंबर थ्री, नजर, ज बिंदी आ गई ना नजर में। नंबर फोर, फायदा, इसमें भी बिंदी आ गई। नंबर फाइव, ज्यादा, इसमें ज हमारे मुंह में ही रह गया और बिंदी भी आ गई, ज पूरा मुंह नहीं ना खुला इसलिए आधा रह गया जा, ज्यादा। नंबर सिक्स, शरीर। नंबर सेवन, हाथों, थों ऊं की आवाज आ रही है इसलिए बिंदी आ गई। नंबर एट, जल्दी, जल ल हमारे मुंह में ही रह गया, जब कोई अक्षर हमारे मुंह में रह जाता है पूरा मुंह नहीं खुलता तो उसको हम आधा लिखते हैं, जल्दी। नंबर नाइन, बंद। नंबर टेन यानी कि नंबर दस, अंत, अंत में न हम आधा भी लिख सकते हैं और न की बिंदी भी लगा सकते हैं, अंत। नंबर इलेवन यानी कि ग्यारह, जोर, जो जो बिंदी की आवाज आ रही ना, जोर। नंबर ट्वेल्व, आदमी। नंबर थर्टीन, गर्मी, गर्मी का र ये आ गया, गर्मी। नंबर चौदह, और, बड़े ओ की मात्रा, और। नंबर पंद्रह, नमस्कार, स, स हमारे मुंह में ही रह गया, नमस्कार। नंबर सोलह, तुम्हारी, तुम्हारी। नंबर सत्रह, उत्तर वा, उत्तर वा। यदि हमारा ये ख होता ना तो हम इस र को यहाँ जोड़ के रखते, ये अलग है यानी कि ये र है और ये व है, तो क्या बन गया, उत्तर वा। नंबर एटीन, तपने। नंबर नाइनटीन, देखी, ये देखो ख जुड़ गया ना इसमें आके, ऐसे अलग अलग नहीं है इसकी तरह, देखी। नंबर ट्वेंटी, लपेटे। तो ये क्या थे हमारे कठिन शब्द। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। तो अब हम करेंगे प्रश्न उत्तर। प्रश्न उत्तर नंबर वन, हवा ने अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या किया। उत्तर, हवा अपनी ताकत दिखाने के लिए जोर से चलने लगी, जोर से चलने लगी थी ना हवा, तो हवा ने क्या किया, हवा अपनी ताकत दिखाने के लिए जोर से चलने लगी। नंबर टू, सूरज ने अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या किया। उत्तर, सूरज अपनी ताकत दिखाने के लिए अधिक तपने लगा, यानी कि बहुत ज्यादा तपने लगा, बहुत चमकने लगा। नंबर थ्री, अभी तक तो सूरज और हवा के बारे में पढ़ा था हमने, अब हम और भी देखते हैं कि ये क्या करते हैं, ये सब अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या करेंगे, कौन कौन, पानी, बादल, पहाड़, सर्दी। तो चलिए सबसे पहले पानी, पानी प्रलय ले आएगा, यानी कि जो पानी है यदि अपनी ताकत दिखाना चाहे तो सारे में पानी पानी हो जाएगा, कुछ भी दिखाई नहीं देगा, यानी कि प्रलय आ जाएगी। बादल, अब बादल क्या करेंगे, बादल गर्जना करेंगे
और खूब वर्षा करेंगे, बहुत ज्यादा वर्षा करने लग जाएंगे। पहाड़ पहाड़ अपनी चट्टाने यानी कि पत्थर गिराने लगेंगे। पहाड़ों में जो पत्थर होते हैं ना, मोटे मोटे चट्टाने होती हैं, वो गिराने लगेंगे। सर्दी, अब सर्दी क्या करेगी, बहुत अधिक बढ़ जाएगी यानी कि बहुत ठंड हो जाएगी, हम कांपने लगेंगे पूरी तरह से, बहुत बढ़ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4, तुम गर्मी लगने पर क्या क्या करते हो? तो क्या क्या करते हैं गर्मी लगने पर, चलिए पढ़ते हैं। यदि आपको इसके अलावा भी कुछ और आता है तो वो भी लिख सकते हैं आप। तो चलिए, उत्तर नंबर 1, ठंडा पानी, ठंडा शरबत, ठंडा जूस पीते हैं, पीते हैं ना ये सारी चीजें। दूसरा काम क्या करते हैं, पंखे कूलर या एसी वाले कमरे में बैठेंगे, बैठते हैं ना। नंबर 3, सूती कपड़े पहनेंगे, बड़े पतले पतले से कपड़े पहनते हैं, बिल्कुल जो सूती हो। नंबर 4, बाहर जाते समय सिर पर टोपी या छतरी लेकर जाएंगे। नंबर 5 क्वेश्चन, शब्दों का खेल। तो हमारा जो लेसन है उसमें ताजमहल के ऊपर आए थे शब्द, और ये वाले शब्द हमें बनाने के लिए दिए गए हैं। तो चलिए बनाते हैं। नीचे लिखे शब्द में से 8 शब्द बनाओ। क म ल क कड़ी, तो ये अलग अलग हमारे शब्द हैं, इसमें से हमने 8 बनाने हैं। तो देखिए, सबसे पहले क म कम, बन सकता है ना कम। नंबर 2 पे क म ल कमल, बन सकता है। नंबर 3 ककड़ी, क कड़ी ककड़ी, फिर कड़ी कड़ी कड़ी, बन सकता है कड़ी। फिर म ल मल, फिर मकड़ी, कैसे बन सकता है मकड़ी, देखिए म कड़ी मकड़ी। और ये अगर जो हम पूरा लिख देते हैं तो क्या बन जाता है, कमल ककड़ी। उसके बाद लकड़ी, ल कड़ी लकड़ी, बन गए हमारे 8 शब्द। धन्यवाद।